Okay, last time we have done physical and chemical properties of group 15 elements. Now it has some important compounds of nitrogen, and first of all we will discuss nitrogen. Clear? N2 को डिस्कस करेंगे. पहले इसकी प्रिपरेशन क्या होगी वो नोट करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो फर्स्ट प्रिपरेशन इसकी है फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड. पहले की प्रिपरेशन किससे? अमोनियम नाइट्राइड से. एक्चुअल में अमोनियम नाइट्राइड मिलता है पहले NH4Cl प्लस NaNO2. इनकी रिएक्शन होगी एक्वस फॉर्म में लेते हैं इनको. इनकी रिएक्शन होके NH4NO2 बनता है. NH4NO2 बन जाएगा पहले और NH4NO2 प्लस NaCl अलग हो जाएगा. अब इसको जब हम हीट करते हैं NH4NO2 को तो N2 प्लस 2H2 मिल जाता है. N2 प्लस 2H2 मिल जाएगा ये, और ये हमारा गैस फॉर्म में मिल जाता है N2 है ना. ये मिलेगा तो ये NH4NO2 से रिप्रेशन है. अमोनियम नाइट्राइड कहते हैं इसको. अमोनियम नाइट्राइड अमोनियम नाइट्रेट से भी मिल सकता है अमोनियम. ये पहली प्रिपरेशन थी इसकी. लैब प्रिपरेशन कहते हैं इसको. लैब प्रिपरेशन तो अमोनियम नाइट्रेट से भी मिल सकता है. अमोनियम नाइट्रेट अगर होगा इसको हीट करेंगे अगर हम अमोनियम नाइट्रेट तो इसमें मिलता है N2O. इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं. N2O प्लस 2H2O वेपर सी में. और इसको हीट करेंगे ज़्यादा हीट करेंगे इसको तो N2 प्लस हाफ O2 मिल जाएगा. क्लियर? N2 प्लस हाफ O2 मिल जाएगा. तो ये एक्चुअल में NH4NO3 जो है इसी की प्रिपरेशन के लिए है. इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि NH4NO2 के अंदर NH4 प्लस है NO2 माइनस है. NH4 प्लस है NO2 माइनस है. N की स्टेट यहाँ माइनस 3 है. N की स्टेट यहाँ पे प्लस 3 है. तो स्टेट जीरो ही होगी और एवरेज क्या आया दोनों का जीरो. तो इसलिए N2 जीरो स्टेट पर मिल गया. और इधर NH4 प्लस है NO3 माइनस है. तो N की स्टेट यहाँ माइनस 3 है. N की स्टेट यहाँ प्लस 5 है. तो एवरेज आया इसका. एवरेज निकालेंगे दोनों का. दोनों N2 के लिए प्लस 1 का एवरेज आएगा तो प्लस 1 यहाँ आ रहा है. दोनों का एवरेज प्लस 1 आएगा. प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 आएगा. प्लस 2 दो नाइट्रोजन है तो प्लस 1 हो जाएगा. इसलिए N की स्टेट यहाँ प्लस 1 आ गई. हीट करेंगे इसको ज़्यादा हीट करेंगे अदरवाइज यही मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड. दिस इज ऑब्टेंड नाइट्रस ऑक्साइड. नाम याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड. यही मिलेगा. इसको हीट ज़्यादा कर देंगे तो N2 प्लस हाफ O2 मिल जाएगा. तो ये भी N2 की प्रिपरेशन करेगा. अमोनियम नाइट्रेट से भी प्रिपरेशन होगी. अमोनियम नाइट्रेट से भी प्रिपरेशन होगी. दोनों से नाइट्रोजन मिल जाएगा. तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन हमने कर ली है या दो प्रिपरेशन मान सकते हैं इसको जो हमने स्टडी कर ली है. नेक्स्ट प्रिपरेशन है इसकी. सेकेंड प्रिपरेशन नोट करेंगे. सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट. सेकेंड अमोनियम डाइक्रोमेट से अमोनियम डाइक्रोमेट लेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अमोनियम डाइक्रोमेट जो कि एक ऑरेंज कलर कंपाउंड है. ये ऑरेंज कलर का होता है. ये याद रखना है डाइक्रोमेट आयन हमेशा ऑरेंज कलर का कंपाउंड है. इसको हीट करते हैं अगर हल्का सा हीट करेंगे इसको एक वॉल्केनिक रिएक्शन होगी. एक क्या मिलेगा N2 प्लस Cr2O3. ये कंपाउंड रिजेंबल करता है ग्रीन टी को सॉलिड फॉर्म में. ये गैस फॉर्म में और H2O के क्या मिलेंगे वेपर्स. ये वेपर्स की फॉर्म में. तो ये वॉल्केनिक रिएक्शन होती है अमोनियम डाइक्रोमेट जो कि एक सॉलिड है ऑरेंज है और ये ग्रीन कलर है. ये कलरलेस इनर्ट गैस है N2. कलरलेस इनर्ट गैस N2 की प्रिपरेशन हो गई है. ये एक वॉल्केनिक रिएक्शन होती है. वॉल्केनिक रिएक्शन कैसे? मतलब इसमें कुछ एक हल्का सा हमने हीट किया तो एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है इस तरीके से कुछ. ये छोटा सा ये ऐसे यहाँ पे एक्सप्लोजन सा होता है. यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है जिसमें N2 गैस मिलेगी और इस N2 गैस के ग्रीन कलर के कंपाउंड मिलेंगे. ग्रीन कलर के सॉलिड है ना Sr2O3. ये भी थोड़ा सा हवा में उड़ते हैं. तो एक ये बच्चे अपने प्रैक्टिस वगैरह में भी परफॉर्म कर सकते हैं जो ज़्यादा छोटा सा अमाउंट लेकर. इसका Cr2O3 मिलेगा ग्रीन कलर का कंपाउंड. ये ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलेगा और एक सॉर्ट ऑफ वॉल्केनिक रिएक्शन होगी. गैस मिल रही है. गैस मिलते ही मैंने बताया था लास्ट टाइम भी गैस कभी भी मिल रही है तो वो एक्सप्लोजन वगैरह हो सकता है उसके थ्रू. तो और ये साथ में इसके सॉलिड भी मिल रहा है तो एक वॉल्केनिक रिएक्शन होगी. सही ना. और ये भी क्या वेपर्स मिल रहे हैं साथ में. वाटर के वेपर्स भी मिल रहे हैं. तो ये वॉल्केनिक रिएक्शन होती है. ऑरेंज कलर का कंपाउंड ग्रीन कलर का कंपाउंड देगा. क्लियर? ए सॉर्ट ऑफ वॉल्केनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो ये N2 गैस की प्रिपरेशन हमने यहाँ पे भी कर ली. नेक्स्ट नोट करेंगे थर्ड प्रिपरेशन. जैसे NH3 मैंने एक्सेस में ले लिया. ये भी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है. ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं. NH3 ले लिया और साथ में Cl2 डाला इसके अंदर. NH3 लिया मैंने एक्सेस में. इसमें Cl2 डाल दिया तो Cl2 डाला तो यहाँ मिल जाएगा N2 मिल जाएगा. साथ में ये H और ये Cl ये ऐड करके ना HCl बनाते हैं. और NH3 है ही एक्सेस में. NH3 है ही एक्सेस में तो ये क्या बना देगा?
NH4Cl, तो N2 plus NH4Cl बनेगा। याद करने के लिए बताया मैंने ऐसे कि H है यहाँ पे और Cl, H यहाँ पे Cl यहाँ, H और Cl, H और Cl, ये रिएक्ट करके NH क्या बनाएंगे, HCl, HCl और NH3 एक्सेस में था ही, तो HCl plus NH3 क्या बन जाएगा, NH4Cl। तो ये N2SO4 प्रिपरेशन है, क्लियर, ये भी N2SO4 प्रिपरेशन है। नेक्स्ट नोट करेंगे साथ में, नेक्स्ट प्रिपरेशन है, अब ये सबसे जो फोर्थ प्रिपरेशन लिखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम एजाइडाइन, फ्रॉम एजाइडाइन, फोर्थ प्रिपरेशन एजाइडाइन से, जैसे सोडियम एजाइड से या सोडियम एजाइड से या बेरियम एजाइड से, अगर मैंने बेरियम एजाइड लिया, एजाइडाइन होता है N3 नेगेटिव, BaN3 होल ट्वाइस, अगर ये लिया मैंने तो इसको हीट किया, अगर सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट किया तो Ba मिलेगा सॉलिड प्लस 3N2, प्लस 3N2 गैस मिल जाएगी। अब ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिल जाएगा यहाँ पे, क्या मिल जाएगा, अल्ट्रा प्योर, प्योर, वेरी प्योर N2 या अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ जेई एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ये अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। और रीजन बहुत सिंपल है इसका, क्योंकि ये सॉलिड मिला है, ये क्या मिला है, सॉलिड फॉर्म में मिला है, और ये गैस, पीछे जितनी भी हमने प्रिपरेशन की नाइट्रोजन की, तो साथ में या तो H2O मिल रहा था या O2 मिल रहा था, इसमें सॉलिड फॉर्म में ही मिला, तो इसलिए नाइट्रोजन जो मिलेगा इट विल बी वेरी प्योर और अल्ट्रा प्योर। ऐसे ही अगर हम सोडियम एजाइड को हीट करेंगे, सोडियम एजाइड इसको हीट करते हैं अगर, तो भी मिलेगा क्या, Na+3/2N2, Na सॉलिड फॉर्म में प्लस 3/2N2, तो ये भी क्या है, वेरी प्योर नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है NaN3 सोडियम एजाइड वाली रिएक्शन, क्योंकि ये जो कार के अंदर एयर बैलून्स होते हैं, कार के अंदर क्या होते हैं, एयर बैलून्स, उसके अंदर इसी को फिल करते हैं, सोडियम एजाइड को, सोडियम एजाइड को डालते हैं हम इसके अंदर, जैसे ही बैलून एक्सीडेंट के समय पे या फिर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा तो बैलून क्या करेगा, बैलून, एयर बैलून बर्स्ट करेगा, तो सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड ये हल्का सा भी हीट अप होकर क्या दे देगा, Na+3/2N2 ये देगा। अब ये इनर्ट है, ये इनर्ट है, गैस जो है N2 गैस इनर्ट है। अब ये सोडियम, ये तो पता है कि एक्सप्लोजन, जब एक्सीडेंट हुआ है तो इसका मतलब Na जो है ये तो हाईली क्या होता है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, ये तो इमीडिएटली रिएक्ट कर सकता है, हल्का सा भी मॉइस्चर मिला इसको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस Na को, इस Na को हम ट्रीट करते हैं, जैसे हम इसको Na को ट्रीट कर देंगे NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ, वो भी डालते हैं बैलून के अंदर से ना, एयर बैलून से NaNO2 भी डालेंगे। अब Na+NO2 ये रिएक्ट करके दे देगा Na2O देगा, ये पूरी रिएक्शन उस बैलून के अंदर होगी, एयर बैलून के अंदर Na2O दे देगा, क्लियर। ये Na2O मिला और साथ में N2 तो मिल ही रहा है हमें, साथ में N2 तो मिल ही रहा है, और ये Na2O फिर ये भी, अब ये क्या करता है, स्किन में रैशेज वगैरह ले आएगा, दिस Na2O ये स्किन में रैशेज ले आएगा, स्किन में इचिंग क्रिएट करेगा, तो उसमें स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इस Na2O को एक वीक एसिड से रिएक्ट करा के SO2, और ये अल्कली रिएक्ट कर जाएगा SO2 के साथ, फॉर्मिंग Na2CO3। तो उस बैलून्स के बर्श होने से हमारे ऊपर कोई भी हार्म नहीं होगा, तो ये हमें करना नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया सारा है, NCERT के अंदर ही जो है वही करना, में NaN3 वाला केस वही करना और ज़्यादा नहीं करना। NaN3 से हमें वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलती है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए, तो यही हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, तो अब इस तरह से वेरी प्योर नाइट्रोजन मिल जाएगी, और तो बस ये ध्यान रखना, सोडियम एजाइड जो है इट इज कैप्ट इन एयर बैग्स ऑफ कार, ये ध्यान रखना, सोडियम एजाइड जो है दिस सब्सटेंस इज कैप्ट इन एयर बैग्स ऑफ कार, इसको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट अब हमारे पास करना है, जैसे कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी, नाइट्रोजन की कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन, तो कमर्शियल प्रिपरेशन होती है एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबको पता है, एयर को क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफाई मीन्स एयर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद लिक्विफाई करने के बाद इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो N2 जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन, इट विल डिस्टिल आउट फर्स्ट लीविंग प्योर O2, क्यों, O2 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 90 केल्विन के आसपास, और इसका रीजन बहुत सिंपल है, O2 जो है इसका मास ग्रेटर, तो उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होंगे,
स्ट्रॉन्ग होंगे, वेंडल फोर्सेस हाई होंगे, इसलिए O2 डिस्टिल्स आउट फर्स्ट. O2 क्या है, इट विल N2 विल डिस्टिल आउट फर्स्ट. डिस्टिल आउट मीन्स इसके जल्दी वेपर्स बन जाएंगे और O2 लिविंग बिहाइंड O2. तो एक तरह से हमने कमर्शियल प्रिपरेशन किसकी की, नाइट्रोजन की एज वेल एज O2 की, दोनों की हो गई है, ध्यान रखना यहीं पर. N2 विद लेसर बॉइलिंग पॉइंट विल डिस्टिल आउट फर्स्ट, लिविंग बिहाइंड प्योर ऑक्सीजन. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, O2 में क्या मास ज़्यादा था तो वेंडल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन नाइट्रोजन. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये होगी इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन. नेक्स्ट नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन के अंदर पहले तो नाइट्रोजन सबको पता है, नाइट्रोजन इज कलरलेस. नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, हमें दिखती तो नहीं है, तो ये क्या है, कलरलेस. ऑर्डरलेस, इसकी स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं आती है, और ऑर्डरलेस है, और टेस्टलेस, टेस्टलेस, सही ना, टेस्टलेस है. दूसरा नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक ऐसा है, क्यों नॉन टॉक्सिक, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड है ना इसके अंदर, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री, बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री, बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी हाई, तीन बॉन्ड को तोड़ना बहुत टफ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होगी. तो इसलिए ये पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी. दूसरा, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, दो आइसोटोप्स हैं इसके, N14 एंड N15, ये इसके दो आइसोटोप्स हैं, N14 एंड आइसोटोप्स, सही ना, दो आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के, ये ध्यान रखना है. दूसरा, इसकी पानी के अंदर सॉलिबिलिटी बहुत कम है, लो सॉलिबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल है, मतलब लोग ये मान के चलेंगे 23 ml के आसपास है एक लीटर वाटर के अंदर, 23 ml पर लीटर ऑफ वाटर, पर लीटर ऑफ वाटर, इतनी कम इसकी सॉल्युबिलिटी होती है. तो इसी वजह से ये जो रेन वाटर, बारिश जो आती है, बारिश में साथ में नाइट्रोजन गैस मिली हुई हमें नहीं मिलती है, वो कम, बहुत ही कम अमाउंट में, इसलिए क्लियर. तो नाइट्रोजन ज़्यादातर एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है, रेन वाटर में ये प्रेजेंट नहीं होगी, क्लियर. अब नेक्स्ट है इसका इनर्ट गैस, तो मैंने बता ही दिया, इट इज़ इनर्ट इन नेचर, ये इनर्ट गैस है, लेकिन टेम्परेचर इनर्ट नेचर का क्यों है, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड, एन हाई बॉन्ड एनर्जी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है, लेकिन हीट करने पर यह आयनिक नाइट्राइड बनाता है, जैसे Li+N2, हीट किया Li3N, लिथियम नाइट्राइड बन गया, तो ये नाइट्राइड बनेगा Mg+N2, क्या बना देगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा, Ca+N2 Ca3N2 बना देगा, N2+O2, ये तो नो रिएक्शन होती है, दिस इज़ नो रिएक्शन, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड, N O डबल बॉन्ड, O, दोनों की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा, बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन रिएक्शन होती है अगर प्लेटिनम के ऊपर हम हीट, इसको हीट कर दें, इसको हीट कर दें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, अगर डायरेक्ट हीट करें तो 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है, तो बनता है ये 2NO. या जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी जब बिजली वगैरह कड़कती है, तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन और O2 होते हैं, उस इंस्टेंट पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है, और ये N2 और O2 रिएक्ट करके NO बनाते हैं उस समय. तो ये चीज़ इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, तो ये आयनिक नाइट्राइड्स वगैरह बना देता है, ये रिएक्शन होती है. नेक्स्ट नोट करना है एक, अब यूजेस इसके, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन. यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, यूजेस नोट करेंगे, तो जो इसके मेन यूजेस हैं, पहला तो इसने जो कंपाउंड्स बनाए, जैसे अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, इसके बाद हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया को मैन्युफैक्चर करता है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस से HNO3 को मैन्युफैक्चर करता है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस से HNO3 को मैन्युफैक्चर, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे N2+3H2 गिव्स 2NH3, सही ना. तो इसमें हमारा 723 केल्विन टेम्परेचर होता है, आयरन की ऑक्साइड या आयरन कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है, और तुम्हारा जैसे 200 बार के आसपास प्रेशर होता है, या 20 मेगापास्कल भी कह सकते हैं इसको, 20 मेगापास्कल इतना प्रेशर होता है, आयरन की आयरन कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है. तो ये अमोनिया गैस की मैनुफैक्चरिंग करने का काम आता है, और ये अमोनिया गैस की मैनुफैक्चरिंग हो गई, तो इसमें हम HNO3 की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, NH3 में O2 डाला, ये हेबर्स प्रोसेस था, दिस वॉज हेबर्स प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में पढ़ेंगे इसको. NH3+O2 NO बना प्लेटिनम के सरफेस पे 1100 केल्विन पे, या रोडियम के कैटलिस्ट रोडियम के सरफेस पे 500 केल्विन पे NO बना, इसमें हाफ O2 डाल दिया, तो NO2 बना, ब्राउन गैस होती है, ये भी याद रखना,
एनओ टर्न्स ब्राउन इन एयर, ऐसे क्वेश्चन आता है एनओ टर्न्स ब्राउन इन एयर, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू गैस विच इज ब्राउन इन कलर, इसमें एच टू डाल देंगे तो एच एन ओ थ्री बन जाएगा, एनओ टू डालते एच एन ओ थ्री प्लस एच एन ओ टू भी बनता है क्योंकि ये मिक्स ऑक्साइड है, और एच एन ओ टू जो है हीट अप होके क्या देता है, एच एन ओ थ्री प्लस एनओ, तो इस तरह से ऑस्ट्रल प्रोसेस, ये पूरा ऑस्ट्रल प्रोसेस कौन सा है, ऑस्ट्रल, तो ऑस्ट्रल प्रोसेस के थ्रू ये दे देगा एच एन ओ थ्री प्लस एनओ, ठीक है ना, एच एन ओ थ्री प्लस एनओ भी लिख सकते हैं, एच एन ओ थ्री प्लस एनओ भी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो यही मिलेंगे दोनों, ये मिलेगा नहीं, ये दोनों लिखना है, तो एच एन ओ थ्री ये मैनुफैक्चरिंग किसकी होगी, नाइट्रिक एसिड की, दोनों प्रोसेस याद रखेंगे, तो ये मैनुफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर दूसरा यूजेज इसके और भी हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, ये मतलब कि फर्स्ट हो गया कैल्शियम साइनामाइड को बनाता है ये, फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज़ होता है ये कैल्शियम साइनामाइड, CaNCN, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, सही ना, कैल्शियम साइनामाइड, ये फर्टिलाइजर वगैरह में यूज़ होता है, हीट अगर इसमें पानी डाल देंगे तो CaCO3 बनाता है ये, डिटेल में बाद में लेंगे, CaCO3 प्लस NH3 प्लस 2NH3 हीट अप करने के बाद CaCO3 प्लस 2NH3 बनाता है, कैल्शियम साइनामाइड है ये, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स में काम आता है ये कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट और इसके यूज़, और इसका जैसे कार के टायर्स में N2 गैस फिल की जाती है, और इसका थर्ड यूज़ इन कार टायर्स में N2 गैस को फिल करते हैं, रीज़न क्योंकि समर में ये N2 गैस जो है समर में आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, तो टायर बर्स्ट नहीं करेगा, समर में जब टेम्परेचर वो गैस एक्सपेंड करेगी तो लिक्विफाई कर जाती है एक्सपेंड होने के बाद ये आसानी से, तो इसलिए टायर बर्स्ट नहीं करेगा, इन कार टायर्स N2 गैस इज फिल्ड, तो ये यहाँ यूज़ हो जाती है। फिर N2 को हम फोर्थ ये कहते हैं क्रायो सर्जरी में यूज़ करते हैं, फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं, N2 इन फूड आइटम्स यूज़ करते हैं एंड क्रायो सर्जरी एज ए क्रायोजेनिक एजेंट भी यूज़ करते हैं इसको, क्रायोजेनिक एजेंट मतलब वो लिक्विड N2 जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं ट्यूमर्स को क्योर करने के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन इज इंजेक्टेड टू क्योर ट्यूमर्स को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। फिर इसके अलावा और यूजेस इसके N2 को, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, N2 एज रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, ये ट्यूब में भर देते हैं N2 गैस को तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो इसको हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट वगैरह यूज़ करते हैं, और ये टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, किसी भी रिएक्शन में अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, N ट्रिपल बॉन्ड N है क्लियर, N ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है तो ये टूटेगा तो है नहीं, तो टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर हम यूज़ कर सकते हैं N2 को, क्लियर, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो बस ये इसके इम्पोर्टेंट यूजेज हैं जो करने हैं हमें। नेक्स्ट और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं इसके अंदर, इनसे रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ा है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस नोट कर लेंगे पर जल्दी जल्दी, दो तीन क्वेश्चन नोट करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। क्वेश्चंस इसके अंदर पहला, जैसे PCL अभी तक जो हमने पढ़ा है जो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा PCL5 के अंदर सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों नहीं होते, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी, PCL5 में सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों नहीं होते, रीज़न ये हमारा एक्सियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड जो होता है बड़ा क्यों होता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन, ये पूरी डिटेल मैंने दी हुई 11th क्लास में, एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ
देन इक्विटोरियल बॉन्ड, इसकी रिपल्शन ज़्यादा होती है इसलिए बड़ा होता है देन, और इसी वजह से PCl5 जो है वो डिसोसिएट करता है PCl3 और Cl2 में, दोनों एक्सियल बॉन्ड टूट जाते हैं और ये आंसर आ जाएगा, हीट करने पर हल्का सा ये डिसोसिएट कर जाता है PCl3 और Cl2 के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ बिकॉज दिस एक्सपीरियंस इज मोर रिपल्शन देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, इसकी डिटेल मैंने दी है 11th क्लास में, अभी ये पेपर में 1 मार्क में आता तो यही लिख के लाना है। नेक्स्ट अब है हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स का NH3 PH3 ये ऑर्डर होता है हाइड्राइड से, SH3 SBH3 BIH3। रीज़न बहुत सिंपल सा, हम इसके अंदर देखेंगे NH3 PH3 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम है इसमें, तो हम क्या चेक करते हैं साइज और इलेक्ट्रोनिटी, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर, N की SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी देखें तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, वैसे SP3 होती नहीं है इसकी, वो बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या है N का साइज छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए N के पास होंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर N के पास होंगे तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा, एंगल 160 डिग्री का। इसमें क्या हो जाएगा PH3 के अंदर P का साइज बड़ा तो ये बॉन्ड पेयर हैं इसके दूर हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन इनमें क्या होगी कम होगी और एंगल इसका सीधा 95 के आसपास कुछ पहुँच जाता है, तो एंगल सीधा कम हो जाएगा। और AS जब आएगा और आर्सेनिक आ गया तो इसमें बॉन्ड और दूर हो जाएंगे इस तरीके से, ये बड़े होंगे बॉन्ड और दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन इनमें और कम हो जाएगी, एंगल और कम 92 के आसपास हो जाएगा, तो ये एंगल कम होता जाएगा इस तरीके से। तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज कर रहा है, सिंपल सा आंसर लिख के रहना है, डाउन द ग्रोथ साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, सो बॉन्ड पेयर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर ये शिफ्ट कर जाएगा सेंट्रल एटम से और दूर हो जाएगा इधर, तो बॉन्ड पेयर शिफ्ट कर जाएगा तो रिपल्शन कम होगी और बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। ये ध्यान रखना ये सब हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो ये सिंपल सा आंसर लिख के आना है, साइज सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिटी कम हो रही है, बॉन्ड पेयर जो है सेंट्रल एटम से दूर होता जाएगा, रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ऐसे ही सेम H2O, H2S, H2SC, H2TE में हम पढ़ सकते हैं, उसमें भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लेंगे ढंग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ब्रोमाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन क्लोराइड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रोमाइड्स जो होती हैं आर मोर कोवेलेंट देन क्लोराइड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता लगता है, ये मैंने लिखवाया सॉल्यूशन क्या इसका, ये लिखवाया हुआ है जितना छोटा कैटायन लार्जर एनायन, तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ये फजांस रूल कहते हैं, मोर कोवेलेंट। तो ब्रोमाइड्स के अंदर Br- होगा और Br- है और इसमें क्लोराइड्स के अंदर Cl- है, ब्रोमाइड आयन जो है ये बड़ा है लार्जर, तो ब्रोमाइड आयन इज लार्जर सो हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर बता रखा मैंने, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, जैसे ये एनायन है Br-, तो Br- है ये कटायन है कोई भी, जैसे Na+ ले लिया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, इसको ज़्यादा पोलराइज कर देगा, और अगर Cl- होता तो Cl- ऐसे छोटा होता, थोड़ा Cl- इस टाइप से होता छोटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये Cl- अगर है ये Br- है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम खींचता तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता कम होता, तो इसलिए Br- बड़ा था पोलराइजिंग पावर ज़्यादा थी इसलिए ब्रोमाइड ज़्यादा कोवेलेंट होंगे। Cl- क्या है, Cl- छोटा है, Cl- का लेस पोलराइजिंग पावर लेस कोवेलेंट, समझ आई इतनी, तो ये फजांस रूल 11 से रिलेटेड कंसेप्ट है तो उसको पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, जैसे BIF3 इज आयनिक, प्रीडोमिनेंटली आयनिक, क्यों आयनिक होगा, क्योंकि इसमें अब सेम वही चीज F- स्मॉलर तो लेस पोलराइजिंग पावर, स्मॉलर एनायन तो लेस पोलराइजिंग पावर तो लेस कोवेलेंट, तो ये हो जाएगा आयनिक हो जाएगा, लेस कोवेलेंट कैरेक्टर मीन्स आयनिक हो जाएगा, और Bi+3 कैटायन बड़ा लार्जर कैटायन
लार्जर कटायन तो अगेन लेस पोलराइजिंग पावर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। तो यही लिख के आना आंसर कि Bi+3 इज लार्जर, F- इज स्मॉलर, सो पोलराइजिंग पावर विल